इस लेक्चर में एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करेंगे। इसमें एक हुप है जिसका रेडियस आर है और मास कैपिटल एम। इसमें एक वॉशर है जिसका स्मॉल मास एम है, जो इसके इसमें स्लाइड कर सकता है, और ये सरफेस दिया हुआ है स्मूथ, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी फ्रिक्शन एब्सेंट है। सो इसमें हम ऊपर से इस हुप को हल्का सा रिलीज करते हैं और ये नीचे फॉल करना शुरू करता है। हमें पता लगाना है जब इसकी पोजीशन, ये जो दी हुई है डायग्राम में, ऐसी होगी तब इसका वेलोसिटी कितना होगा, इसका वेलोसिटी कितना होगा या इसका वेलोसिटी कितना होगा, दोनों में से दोनों का वेलोसिटी आपको निकालना है। इस प्रॉब्लम में जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो प्रॉब्लम को जब भी पढ़ें, ऐसे मैकेनिक्स की प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़िए, कहाँ फ्रिक्शन दिया है कहाँ फ्रिक्शन नहीं दिया है, ये बहुत मैटर करता है। अब देखिए कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ भी फ्रिक्शन नहीं है, ये भी स्मूथ है, तो आप देखिए कोई टॉर्क लग रहा है क्या हुप पे अबाउट ओ? ये जो फोर्स लगाएगा जब हुप स्लाइड करेगा, ये जो फोर्स लगाएगा टेंजेंशियल, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, टेंजेंशियल कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, सिर्फ फोर्स लगेगा तो अलोंग दिस डायरेक्शन लगेगा, नॉर्मल लगेगा, वो पास करेगा हुप के सेंटर से तो कोई टॉर्क नहीं देगा। तो इसका फोर्स कैसे भी फॉल करे, कहीं पे भी हो, टॉर्क नहीं दे रहा है। सिमिलरली जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे जो फोर्स लगेंगे वो वेट की वजह से ऐसा लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, ये भी सेंटर के थ्रू पास कर रहा है, फ्रिक्शन कोई नहीं है, तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, एफ हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, टेंजेंशियल फोर्स भी नहीं है, सो कोई भी इस पे टॉर्क नहीं आएगा। सो बड़ा अनयूजुअल सा लगता है कि इसमें हुप स्लाइड करेगा लेकिन ये रोटेट नहीं करेगा, पर फर्स्ट एकदम देखने से लगता है कि ये रोटेट करेगा, रोटेशन मान के हम करने लगते हैं, ये रोटेट नहीं करेगा, ये सिर्फ मूव करेगा हुप, हुप इसके अंदर रोटेट करेगा, हुप इसके अंदर जरूर रोटेशन का आपको फीलिंग आएगा लेकिन ये रोटेट नहीं करेगा, आप ये वॉशर इसमें अंदर फॉल करेगा, हुप रोटेट नहीं करेगा। अब आप देखिए सेंटर ऑफ मास इसका फिक्स्ड रहना चाहिए क्योंकि इसमें कोई भी एक्सटर्नल एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, वर्टिकल फोर्सेस तो हैं, एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स इसमें नहीं है, जीरो है। इसके इंटरनल फोर्सेस जो है उसका भले ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, ये जो लग रहा है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, पर ये इंटरनल है, इंटरनल फोर्सेस से कोई भी सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ये मास और ये मास मिला के एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में बाहर से फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल नहीं लगेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टली शिफ्ट नहीं होगा, नहीं होगा शिफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सेंटर ऑफ मास तभी शिफ्ट होता है जब कोई फोर्स उस डायरेक्शन में लगे, इसका हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस सिस्टम में तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा। सो सेकेंडली मोमेंटम, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम इसका कंजर्व्ड रहेगा, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट जो होगा वो कंजर्व्ड रहेगा क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है इस पे। तो जब ये हुप सपोज यहाँ पे है, इसका वेलोसिटी ऐसे होगा, रिलेटिव, हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी पहले निकालिए फिर एब्सोल्यूट निकालिए, ऐसे मोशन में रिलेटिव और एब्सोल्यूट में डिस्टिंग्विश कीजिए वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर इसका रिलेटिव वेलोसिटी ऐसा है तो देखते हैं इसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी कैसा होगा हुप का, ये सॉरी वॉशर का, ये जो वॉशर है इसका ये एंगल होगा अल्फा, तो मैं ये हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचता हूँ, और ये जो वेलोसिटी वी आर है वॉशर का, ये वेलोसिटी वी आर रिलेटिव टू हुप है, ये जो आपका हुप है, हुप आपका मूव करेगा इस डायरेक्शन में, कि ये इधर मूव कर सकता है, इधर भी मूव करेगा, इधर भी मूव करेगा, डिपेंड करेगा कि वॉशर का पोजिशन क्या है, हुप रोटेट नहीं कर रहा है, हुप का सेंटर ऑफ मास ऐसे ऐसे शिफ्ट करेगा और ये मूव करेगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एंगुलर मोमेंटम का। तो हुप का वेलोसिटी सपोज मैं अभी डायरेक्शन नहीं लेता हूँ,
ऐसे है, और उसके ऊपर हुप का वेलोसिटी, मैं कोई डायरेक्शन नहीं लिया उस पॉइंट से, हुप के वेलोसिटी का जो टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ भी टर्मिनेट हो सकता है, सपोज यहाँ भी टर्मिनेट हो सकता है, मैं हुप की वेलोसिटी जहाँ टर्मिनेट होगी रिलेटिव मोशन में, जो मेन बॉडी है उसका वेलोसिटी अगर ऐसा है, और उसके ऊपर जो बॉडी चल रही है उसका वेलोसिटी अगर ये वी आर है, या मेन बॉडी का वेलोसिटी ऐसा है, तो उसके ऊपर जो बॉडी चल रही है वो उसके हमेशा एरो के टिप से ड्रॉ करते हैं। तो हुप का वेलोसिटी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एरो का टिप ले लीजिए, यहाँ पे एरो का टिप है, इस एरो के टिप पे हुप का वेलोसिटी टर्मिनेट हो रहा है, मुझे डायरेक्शन नहीं पता अभी। अब आप देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा इस एरो के टिप से लाए जाएंगे, ये रिलेटिव वेलोसिटी वॉशर का है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। अब इस रिलेटिव वेलोसिटी को आप देखिए, इस रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से आपको पता लगाना है कि मोशन क्या होगा। इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी है, अगर मैं हुप को मानता हूँ ऐसे चल रहा था, सपोज हुप ऐसे चल रहा था, तो इसका जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी आएगा वो हुप का ऐसे आएगा, ये हुप का एब्सोल्यूट वेलोसिटी, सॉरी, ये वॉशर का एब्सोल्यूट वेलोसिटी आएगा, वॉशर का एब्सोल्यूट वेलोसिटी आएगा, और मैंने हुप का वेलोसिटी सपोज ऐसे माना है, मैं एक दो बार हुप और वॉशर में कंफ्यूज कर गया, सॉरी फॉर दैट। सो ये हुप का वेलोसिटी है, आई रिपीट, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ये हुप का वेलोसिटी है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है वॉशर का, हुप और वॉशर का रिलेटिव वेलोसिटी मिला के वॉशर का एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। तो इसका कॉम्पोनेंट क्या हुआ, इस डायरेक्शन में हुआ, तो इसका कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में है, तो इसका कॉम्पोनेंट भी इस डायरेक्शन में, ये हुप का वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकता, नहीं तो मोमेंटम कंजर्व कैसे होगा। जो इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी, वॉशर की जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी, उसका कंपोनेंट जो होगा हॉरिजॉन्टल, उसके अपोजिट मोशन होगा हुप का, अदरवाइज मोमेंटम कंजर्व कैसे होगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो सिस्टम में एक बॉडी का अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, तो दूसरी बॉडी का अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी तो कंजर्व होगा, तभी सेंटर ऑफ मास सेम रहेगा। इसको आप डायरेक्शन सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में भी निकाल सकते थे, निकाल के देखिए, तो इसका मतलब हुप का डायरेक्शन ये नहीं है, हुप का डायरेक्शन है ये हुप का डायरेक्शन है, और ये वॉशर का रिलेटिव वेलोसिटी है, ये एंगल अल्फा है, और टिप से ये ओरिजिन था स्टार्टिंग पॉइंट, टिप पे आए, टिप से रिलेटिव ड्रॉ किया, और ये ओरिजिन से फिर ड्रॉ किया, तो ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वॉशर का। मैं इसको ले लेता हूँ, ये एंगल सपोज थीटा है, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, तो वॉशर का जो है, ये वॉशर का एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, तो वॉशर का हॉरिजॉन्टल आप हमेशा मोमेंटम करेंगे और एनर्जी करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, अनटिल अनलेस आप उसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी कंसिडर करेंगे, आप ना मोमेंटम का कंपोनेंट लीजिए ना एनर्जी का कीजिए, एब्सोल्यूट वेलोसिटी के टर्म्स में करना है। तो पहले एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकाला, अब ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और इसका वैल्यू हुआ, ये इसका वैल्यू कितना है, ये पूरा कितना है, वी आर कॉस अल्फा, तो ये कितना हुआ, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वॉशर का, ये हुआ वी आर कॉस अल्फा माइनस यू, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ, तो उसका मोमेंटम कितना हुआ, मोमेंटम ऑफ वॉशर, पी वॉशर इन एक्स डायरेक्शन, ये आपका अलोंग एक्स एक्सिस है, ये हुआ एम वी आर कॉस अल्फा माइनस यू। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके हुप के मोमेंटम का क्या है, हुप का क्या है, ये हुआ आपका इस डायरेक्शन में, हुप का हुआ आपका इस डायरेक्शन में, और ये होगा एम कैपिटल एम यू। अब क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑलरेडी ले लिए हैं, हमने डायरेक्शन ऑलरेडी ले लिए हैं, तो अब इनका मैग्नीट्यूड इक्वेट करेंगे, या दोनों को आप ऐड करेंगे, इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम विद डायरेक्शन ऐड करेंगे, तो इसके दो तरीके होते हैं। आप ये पॉजिटिव मानिए, सपोज ये पॉजिटिव है, तो हुप का, ये वॉशर का मोमेंटम इस डायरेक्शन में क्या है, एम
वी आर कॉस एल्फा माइनस यू, और हुप का मोमेंटम इस डायरेक्शन में क्या है, माइनस एम यू। टोटल मोमेंटम इनिशियल कितना था, जीरो था, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा। सो एम, ये कैपिटल एम होगा, सॉरी, एम बी आर कॉस एल्फा माइनस यू माइनस एम यू। अब इससे आप जो है वी आर का वैल्यू निकाल लीजिए, वी आर कॉस एल्फा, वी आर कॉस एल्फा का वैल्यू आएगा एम अपॉन एम इंटू यू प्लस यू, या वी आर कॉस एल्फा को यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी है बट मैं एक एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वी आर कॉस एल्फा इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू यू अपॉन 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 स्मॉल एम। सो वी आर का, वी आर का हमें वैल्यू मिल गया। अब इसका जो वी एब्सोल्यूट है, इसको आप वी आर और यू के टर्म्स में लिख लीजिए वेक्टर ट्रायंगल से, तो वी आर, वी एब्सोल्यूट, सॉरी, वी एब्सोल्यूट ये वॉशर का है, इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस यू वी आर कॉस एल्फा। वी आर का वैल्यू बस आप यहाँ प्लेस कर दीजिए, वी एब्सोल्यूट स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर का वैल्यू है एम प्लस एम होल स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस यू स्क्वायर एम प्लस एम अपॉन एम। ये आपका वी एब्सोल्यूट आया। मैं इसको अब रब कर देते हैं। अब आपका एक इक्वेशन आ गया, आपको एब्सोल्यूट वेलोसिटी का वैल्यू मालूम पड़ गया, वी आर का वैल्यू मालूम पड़ गया, मोमेंटम आपने कंजर्व कर लिया। अब बचा है सिर्फ एक चीज़ और कंजर्व करना, वो है एनर्जी। ये जब वॉशर एच फॉल किया, सपोज एच का वैल्यू बाद में रखेंगे, ये हाइट एच फॉल किया, तो फॉल इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच विल बी इक्वल टू जो काइनेटिक एनर्जी वॉशर का है प्लस काइनेटिक एनर्जी जो हुप का है, हुप का कोई रोटेशन नहीं है, सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, विल बी इक्वल टू हाफ एम यू कैपिटल एम यू स्क्वायर, और इसका वेलोसिटी इसका है हाफ एम वी एब्सोल्यूट स्क्वायर। कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी को आप काइनेटिक एनर्जी में मत रखना, केयरफुल, केयर ना, तो आप काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन में रिलेटिव वेलोसिटी रखना, ना ही मोमेंटम में रखना, नीदर मोमेंटम नॉर एनर्जी में। ये हमेशा आप एब्सोल्यूट के टर्म्स में कीजिए। इससे रिलेटेड सिमिलर एक क्वेश्चन है, एक वेज पे जब एक ब्लॉक स्लाइड करता है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसका भी मैंने दिया, उसको भी सिमिलर टाइप से करना है, जब ये भी मूव करता है और ये भी मूव करता है, ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, जब ये दोनों मूव करते हैं तो यहाँ पे जब ये स्ट्राइक करेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, वो निकालने के लिए है, मैं लिंक दे दूंगा। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स काफ़ी सिमिलर है। अब आप इसको फर्दर लिख लीजिए ट्वाइस, इसको आप स्मॉल एम से डिवाइड कर दीजिए और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, यू स्क्वायर एम अपॉन एम प्लस वी एब्सोल्यूट स्क्वायर, वी एब्सोल्यूट स्क्वायर का आप वैल्यू रख दीजिए ट्वाइस जी एच इज इक्वल टू एम अपॉन एम यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, मैं पहले लिख रहा हूँ, प्लस एम प्लस एम अपॉन एम होल स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस ट्वाइस यू स्क्वायर एम प्लस एम अपॉन एम। ये हो रहा है आपका माइनस, ये दोनों सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस यू स्क्वायर एम प्लस एम अपॉन एम प्लस एम प्लस एम होल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा यू स्क्वायर। आप एम प्लस एम अपॉन एम यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यह है माइनस वन प्लस एम अपॉन एम कॉस
cos square alpha. इसका आप फर्दर सॉल्व कीजिए, m plus m upon m u square minus m cos square alpha plus m upon m cos square alpha. इसका आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए, twice g h into m square cos square alpha is equal to m plus m u square. अंदर m और इन दोनों का आप सॉल्व करेंगे तो m sin square alpha plus m sin square alpha. इसमें